इस प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, देन उसके बाद लिख लेंगे void main और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार का मेन फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे। देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ void add, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नेम क्या रहेगा, void add रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे उसको डिफाइन करता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन हम लोग इसको बोलते हैं। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन कैसे हम लोग करेंगे, सेम सिग्नेचर को हम लोग यूज करेंगे void add, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स ऐड करूंगा, ओके। यहाँ पे आर्गुमेंट्स जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, आर्गुमेंट्स जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे इसमें आर्गुमेंट ऐड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका डेटा टाइप, ठीक है। जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप को ही स्पेसिफाई करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे दो डेटा टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन पे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एक्स कॉमा इंट वाई, यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंट एक्स और इंट वाई, यहाँ पे जो डेटा टाइप यहाँ पे लिए हैं सेम डेटा टाइप होना चाहिए यहाँ पे भी, अगर हम लोग यहाँ पे डिफर करेंगे तो हम लोग को एरर मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है, ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा सिर्फ और सिर्फ इस एड फंक्शन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर एडिशन ऑफ ए सॉरी एक्स एंड वाई इज परसेंट डी और कॉमा देके यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई, मैंने दोनों का ऐड कर दिया और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ठीक है, ऐड हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे और इसके अंदर दो आर्गुमेंट हम लोग को पास करने हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको पैरामीटर यहाँ पे बोलते हैं। एट द कॉल मतलब जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे
उसे हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 10, 20। यहाँ पे मैंने कॉल के समय क्या डाला, 10, 20 डाला। यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग यहाँ पास करें इसको बोलते हैं पैरामीटर, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। पैरामीटर हम लोग ने पास किया यहाँ पे 10 और 20। ये 10 वैल्यू जो है वो इंट एक्स पे आएगी और 20 वैल्यू जो है इंट वाई पे आएगी। ठीक है, जब भी ये प्रोग्राम जो है रन करना स्टार्ट करेगा तो जैसे ही ये ऐड कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, इस जो ऐड का जो फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ पे चले जाएगा। और जो 10 वैल्यू जो है वो कहाँ पे आएगी, इस एक्स पे आएगी, और 20 वैल्यू जो है वो उस वाई पे आएगी। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज %d। देन उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, 20 की सॉरी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का ऐड करेगा और प्रिंट कर देगा। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे आउटपुट क्या मिलने वाला है, एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज 30। तो यहाँ पे हम लोग जो पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, ये होता है एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। और यहाँ पे जो हम लोग आर्गुमेंट्स या फिर जो पैरामीटर यहाँ पे लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। दो टाइप के पैरामीटर होते हैं, वाइवा का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। जब भी हम लोग फंक्शन डेफिनेशन पे जो भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या फिर वहां पे जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हम लोग डालते हैं, यहाँ पे दो पैरामीटर है, तो ये एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन वो होगा फॉर्मल पैरामीटर। और जहां पे उसकी एक्चुअल वैल्यू हम लोग को देनी होती है उसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। तो दो टाइप के पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। ओके, हम लोग इसको अब रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ fun4.c। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। फिर उसके बाद करते हैं इसको रन। यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज 30 हम लोग को प्रिंट करके मिल जा रहा है। अब इस प्रोग्राम में हम लोग करने वाले हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, जो हमारा लास्ट एस्पेक्ट है फंक्शन कॉलिंग के, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, जिसमें हम लोग फंक्शन में आर्गुमेंट्स भी लेंगे साथ में वैल्यू भी रिटर्न करेंगे। ओके, क्लियर, वैल्यू भी हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत? ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ऐड ले लिया है और यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो पैरामीटर यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन के समय पे हम लोग ने दो पैरामीटर का डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन कर दिया void add int x int y। अब यहाँ पे जो हम लोग पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को रिटर्न करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न एक्स प्लस वाई, ऐसा मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। जब हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो इसका हम लोग को रिटर्न टाइप भी बताना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई
हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप में इंट स्पेसिफाई करेंगे। अगर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हम लोग को बहुत बड़ा सा एक एरर शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन पे आ गए हम लोग, सबसे पहला क्लियर स्क्रीन कर लिए, देन उसके बाद यहाँ पे ऐड को हम लोग ने कॉल किया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जो ऐड है जैसे ये कॉल होगा, ये ऐड जो है जैसे ही कॉल होगा कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, इस इंट ऐड के पास चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, एक्स प्लस वाई वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, मतलब 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 वैल्यू हम लोग को रिटर्न करके मिल रहा है। तो अब ये पूरा ओवरऑल जो फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ है, इसकी वैल्यू हम लोग को मिल रही है, इसकी वैल्यू हम लोग को मिल रही है 30। अब इस 30 को रखने के लिए हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेड नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस जेड को क्या कर लेता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ इंट जेड। जेड एक वेरिएबल है जिसके अंदर इस फंक्शन से रिटर्न करके जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे जेड की वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज परसेंट डी, और कॉमा देके मैं यहाँ पे जेड प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जेड को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ FUN5.c, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, दो एरर आ गया, नॉट एन अलाउड टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एरर शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम लोग को यहाँ पे भी रिटर्न टाइप में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब इसको वापस से हम लोग कंपाइल करते हैं, एरर हमारा हट गया है, और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। रन करने से हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। हम लोग यहाँ आर्गुमेंट भी ले रहे हैं, साथ में वैल्यू भी रिटर्न करा रहे हैं, दोनों हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे को किसी भी एक गिवन नंबर का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन। ओके, पहले यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h void main गेट ch। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट स्क्वायर, और इस टाइप का हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट भी लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर दिया है। सेम यहाँ पे लूंगा मैं इंट स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट एस, और यहाँ पे मैं वैल्यू को रिटर्न भी कराऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न एस मल्टीप्लाई बाई एस। ये मैंने एक स्क्वायर के लिए एक वैल्यू यहाँ से लिया, और क्या कर दिया, उसको दो बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, रिटर्न टाइप को भी स्पेसिफाई किया है, डिक्लेरेशन करते समय भी रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक
ठीक है, कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एक्स, देन उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर स्क्रीन सी एल आर एस सी आर, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ मैंने लिखा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर ए नंबर। स्लैशन हम लोग यहाँ पे लगा लिए हैं, एंटर ए नंबर, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे स्कैन एफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल कोट्स में परसेंट डी कॉमा देखिए एम परसेंट एक्स, एक्स में हम लोग एक वैल्यू इनपुट लेंगे। अब हम लोग इस स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे, स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इस एक्स की वैल्यू। अब स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे इंट एक्स कॉमा, यहाँ पे मैं वाई को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। जो भी ये स्क्वायर फंक्शन हम लोग को वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, इस वाई के अंदर में स्टोर हो जाएगा, वाई के अंदर में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग को प्रिंट भी किसको करना है, हम लोग को वाई को प्रिंट कर देना है, तो वाई को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी कॉमा देखिए हम लोग क्या कर देंगे एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर निकाल रहे हैं और वाई हम लोग को आउटपुट में मिल रहा है। हम लोग इसको करते हैं सेव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस क्यू एफ यू एन डॉट सी, उसके बाद मैं इसको करता हूँ कंपाइल, और उसके बाद करता हूँ इसको सेव, यहाँ पे सॉरी रन। यहाँ पे हम लोग को नंबर डालना है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टू, एंटर करूंगा तो स्क्वायर ऑफ टू इज फोर हम लोग को मिल रहा है, तो ये हम लोग का आउटपुट है। मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग ने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंट स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं, साथ में एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। देन इसके बाद हम लोग इसको डिफाइन कर लिए, ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर लिए, ये था हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे हम लोग ने किया है फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पे जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा इसके डेफिनेशन पे। यहाँ पे इंट एस में क्या कैच करेगा, इस एक्स की वैल्यू जो हम लोग यहाँ स्कैन एफ से लेंगे। स्कैन एफ से हम लोग ने एक वैल्यू इनपुट लिया स्क्रीन से, उसको किस में पास कर दिया, स्क्वायर में पास कर दिया। अब ये एक्स वैल्यू जो है वो इस एस में जाएगी। हम लोग जो भी स्क्रीन से एंटर करेंगे, मान लो हम लोग ने टू एंटर किया, एक्स की वैल्यू टू है, टू वैल्यू कहाँ पे कैच करेगी, एस में कैच करेगी। देन उसके बाद एस का क्या निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा, और वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब जैसे ही रिटर्न करेगा तो ये स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स मतलब जो यहाँ से रिटर्न किया है वो वैल्यू हम लोग को मिलेगी। वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस वाई नाम के वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वाई को प्रिंट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शन को यूज किए, यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर पास किए हैं, साथ में एक वैल्यू भी रिटर्न करा रहे हैं।